नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। एक आम इंसान की अपने जीवन भर की कमाई से घर का सपना पूरा करने की चाहत अक्सर टूटती रही है। वजह है बिल्डरों की मनमानी। लेकिन 1 मई से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने के साथ ही बिल्डर्स पर ना केवल लगाम लगेगी बल्कि ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। बिल्डर की मनमानी होगी बंद। होम बायर्स की होगी चांदी। पोजीशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। जी हां, 1 मई से रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को ताकत मिलने वाली है। 1 मई से देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू होने जा रहा है। नए कानून से सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नए कानून रेरा से बायर्स को काफी फायदा होने वाला है। 1 मई से लागू होने वाले रेरा के तहत हर राज्य में एपिलेट ट्रिब्यूनल बनेगा और सभी प्रोजेक्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे। रेरा लागू होने के बाद घर कारपेट एरिया पर ही बिकेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन नहीं होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट भी बनाना होगा और एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा रखना होगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर भी रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। बिल्डर लेट पेमेंट पर मनमाना जुर्माना भी नहीं वसूल पाएंगे। बिल्डर की मर्जी से डील कैंसिल नहीं होगी और बिल्डर ओपन पार्किंग नहीं बेच सकेंगे। घर खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। रेगुलेटर की बात ना मानने पर 3 साल तक की जेल या प्रोजेक्ट कीमत का 5-10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार साफ कर चुकी है कि 1 मई के बाद किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या जो भी एग्रीमेंट्स होता है बायर और डेवलपर के बीच में, वो हमने इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाया है। वो इस तरह का है कि दोनों को इक्वल राइट होंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पेनाल्टी है तो आपको 17-15% पेनाल्टी बायर पे लग जाता है। प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनाल्टी नहीं होता है। अब जिसकी तरफ से भी डिफॉल्ट होगा पेनाल्टी बराबर होगी। हालांकि रियल एस्टेट बिल में काफी चीजें राज्यों पर भी निर्भर करती हैं। राज्य अगर ड्राफ्ट रूल्स को हल्का करेंगे तो इससे बिल लाने का मकसद भी प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव खोसला जुड़ रहे हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, 1 मई से रेरा लागू होने जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर पर ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा? देखिए शिल्पा, जिस तरह से होम बायर्स ने काफी मेहनत करके सरकार के ऊपर दबाव डलवा के कोशिश की गई कि इस रेरा को पास किया गया। देखिए, होम बायर्स की मुश्किलें आज की नहीं है, ये लगभग 3-4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जो बिल्डर्स की मनमानियां हैं उस पर लगाम कसने के लिए इसको लागू किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 मई को अब लागू होगा, क्या उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी? कितना फर्क आएगा? कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी? कुछ हमारे साथ बायर्स जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो रेरा को किस तरह से देखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1 मई को रेरा लागू हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय होम बायर्स के लिए कैसा होगा? देखिए, आने वाले समय में बायर्स को फायदा होगा और बिल्डर के जो प्रैक्टिस एरिया उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बट टॉप लेवल पे आएगी, बॉटम पे कुछ नहीं आने वाला है। बिकॉज एग्जीक्यूशन में कोई ध्यान नहीं देगा इस एक्ट के ऊपर, और जो लोकल एक्ट है उसको कैसे इन्फोर्स करना है, यूपी डिपार्टमेंट कैसे इन्फोर्स करना है, तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दी गई अभी। तो कोई खास फर्क नहीं होने वाला इसके ऊपर। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है कि जो रेरा के नियम आ रहे हैं उससे? रेरा के नियम सिर्फ एक गुलदस्ता है जो दिखता अच्छा है, बट उसमें कुछ मतलब है नहीं अंदर की तरफ। अगर बात करेंगे आप, तो आपको क्या कमी क्या दिखती है? कमी है जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे करप्शन है हर जगह। अथॉरिटी की बात करें, अपनी अथॉरिटी की बात करें, आप गेटा अथॉरिटी की बात करें, तो उसको कैसे इन्फोर्स करेंगे? स्टेट लॉ है अपना, हर एक स्टेट में अपनी अपनी सरकार है, अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो सेंट्रल एक्ट ला के स्टेट में कैसे इम्पोज करेंगे? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रेरा 1 मई को लागू हो रहा है, होम बायर्स की मुश्किलें थी, लगातार हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, सड़कों पर उतरे, अथॉरिटी के आगे आवाज उठाई जाती है लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब 1 मई को जो रेरा लागू हो रहा है, आप एज अ होम बायर्स कैसे देखते हैं उसको? सर, हमें वैसे काफी उम्मीदें हैं रेरा से, बिकॉज इसमें जैसे एक प्रोविजन है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो पैसा है
उसका आप एक इसरो अकाउंट ओपन करके उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में खर्च कर सकते हैं। बिल्डर क्या करते थे बेसिकली कि जैसे पैसा किसी एक प्रोजेक्ट का लिया, उनने अपने नए प्रोजेक्ट और न्यू इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल बदहाल छोड़ दिया। तो उसमें क्या होता था कि एक आम आदमी जिसने एक ड्रीम, एक मतलब जैसे कहते हैं कि उसके एक सपनों का घर, तो वो सपनों का घर जो है टूट जाता था। तो हमें उम्मीद है, डेफिनेटली उम्मीद है, और मोदी गवर्नमेंट बाकी आप देख ही रहे हैं सारा चीज जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में काम कर रही है, तो हमें सर बहुत सारी उम्मीदें हैं। यानी इनको उम्मीद है कि काफी हद तक चीजें ठीक होंगी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रेरा को कैसे देखते हैं? सर मैं टेक्निकलिटीज में बात नहीं करूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है एज अ कॉमन मैन। एंड जो लोग बिल्डर से एक तरीके से चीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? और अगर आप देखेंगे कि हमारा इस सोसाइटी, ये जो सुपरटेक ज़ार स्वीट्स का सोसाइटी है, इस सोसाइटी में अप्रूव जो प्लान था दैट वाज फॉर 844 फ्लैट्स, 844 यूनिट्स रादर, और इन्होंने बिना परमिशन लेके, बिना प्लान को अप्रूव, बिना प्लान को रिवाइज अप्रूवल लेके इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 1904 फ्लैट बना दिया है। यानी आपको ये लगता है जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, अब रेरा आने के बाद काफी हद तक चीजें ठीक होंगी, आप मानते हैं इस चीज को? मैं इतना सरलीकरण नहीं करना चाहता, इतना सिंपल नहीं है ये चीजें जी, क्योंकि इसमें करप्शन जहाँ पे और ग्रीड जहाँ पे लोगों के अंदर बसा हुआ है, उसको सिर्फ एक कानून आके ओवरनाइट ठीक कर देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करता। यानी शिल्पा यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, बायर्स काफी हद तक खुश भी हैं, लेकिन कहीं जगह नाराजगी भी है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ स्टेट्स जो रेरा के नियमों को डिल्यूट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब काफी हद तक राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से उसको लागू करते हैं, किस तरह से सख्ती होती है। लेकिन सवाल यही है जो सफरर है उनका क्या? रेरा आने के बाद थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये सब जानते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि काफी हद तक ठीक है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक गुलदस्ता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनी 1 मई से जो रेरा लागू होने वाला है, ये बिल्कुल साफ जी गौरव, काफी ज्यादा पॉजिटिव वो हैं, लेकिन रातों रात बदलाव होगा इससे फिलहाल वो सहमत नहीं है। लेकिन गौरव आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि बिल्डर्स की तरफ से होम बायर्स को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर रेरा जब लागू हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये आपसे समझना चाहेंगे। शिल्पा देखिए, जिस तरह से रेरा में नियमों का प्रावधान रखा गया है उसमें साफ चीजें ये है कि एक एस्क्रो अकाउंट खोलेगा जिसमें 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इसके अलावा एक रेगुलेटर अथॉरिटी होगी, जो भी बिल्डर एक बार प्लान लेआउट करेगा या ब्रोशर पेश करेगा जिसमें जो जो सारी चीजें बताई गई होगी उनको किसी भी हालत में पूरा करने पड़ेगा। इसके अलावा बायर्स का भी थोड़ा सा इसलिए ख्याल रखा, बिल्डर का इसलिए ख्याल रखा गया कि पेनल्टी को लेकर, कि अगर बिल्डर समय पर पोजेशन नहीं देगा और अगर बायर किसी एंड से कैंसल करता है या अपना फ्लैट कैंसल करता है तो जो पेनल्टी है वो बिल्कुल इक्वल होगी। इसके अलावा और भी कई प्रावधान रखे गए हैं जो काफी हद तक बायर्स के हित में है। देखिए लगातार जी मीडिया ने जो आज कैंपेन शुरू किया है, आज हम सारा दिन बताएंगे इन चीजों को कि होम बायर्स का क्या नजरिया है। हालांकि जब हमने बिल्डर्स से बात की तो बिल्डर्स यही कहते थे कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको इस दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन जो पिछले 5 से 6 से 7 साल से होम बायर्स सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी जाते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जाते हैं, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में जाते हैं, लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं होती थी, ये एक बड़ा अहम मुद्दा था। लेकिन अब रेरा के लागू होने के बाद काफी हद तक चीजें साफ होगी, नए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें जो होम बायर्स की गाड़ी कमाई है उसका ख्याल रखा जाएगा, बिल्डर्स को अगर कोई मनमानी होती है या कोई गलत काम करता है तो 3 साल तक की सजा है। यानी ओवरऑल पिक्चर जो है हम पूरी तरह से इसलिए नहीं कह सकते कि साफ हो जाएगी, लेकिन हाँ जो 70 से 80% चीजें हैं काफी हद तक ठीक होंगी, हर जो भी काम होगा उसकी एक जवाबदेही तय की जाएगी। यानी आने वाला ये समय हम कह सकते हैं कि इससे रियल स्टेट के सेंटीमेंट्स में भी सुधार आएगा, होम बायर्स का जो मुद्दा है वो भी ठीक होगा, और जो अच्छे बिल्डर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम और अच्छा होगा। जी गौरव आप हमारे साथ बने रहिए, तो बहुत सी उम्मीदें यहाँ पर सभी होम बायर्स को है रेरा के लागू होने के बाद, तस्वीर लगभग पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। 1 मई से रेरा लागू होने वाला है और रियल एस्टेट सेक्टर में इससे क्या बदलाव आएंगे, इस बारे में जी मीडिया ने बात की लाइसेंस फोरस के एमडी पंकज कपूर से। इस वक्त हमारे साथ लॉसेस फॉरेस्ट के एमडी मिस्टर पंकज कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रेरा के बारे में हमें बताएंगे कि सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि रेरा जो लागू होने वाला है क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप उसका मार्केट पर? काफ़ी इम्पैक्ट है, और अगर आप देखिए तो एक तरीके का बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर उन कंज्यूमर के लिए जो बहुत
पीड़ित थे और एक तरीके के सेंटिमेंट्स मार्केट में बहुत डाउन थे, क्योंकि पास्ट में जिस तरीके के कमिटमेंट में डिफॉल्ट रहे, डिलेज हुए प्रोजेक्ट्स में, तो उसने एक बहुत स्पिरिट को डैम्पन किया। आज बड़ी ही कॉशियस कंज्यूमर की सिचुएशन थी। अगर आप देख लिए तो पिछले 2 या 3 साल में ज़्यादातर ग्राहक जो है वो ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन या रेडी पोजीशन घर ही खरीद रहे थे। तो एक तरीके का एक अश्योरेंस रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से उन कंज्यूमर के लिए कि भाई आज तुम घर खरीद रहे हो, यहाँ पे बिल्डर एक अकाउंटेबल है, जहाँ पे और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए उसको बाध्य है, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी है। एक साइडेड रूल नहीं है जहाँ पे केवल बिल्डर ही गेन करता था, यहाँ पे कंज्यूमर भी एक तरीके का गेनर बन के तैयार हुआ। तो एक ये बड़ा इनेबलर की तरीके से आ रहा है, ये ओवरऑल सिस्टम में एक एफिशिएंसी लेके आएगा। क्योंकि अगर आप देख लिए रेरा के 3 पिलर हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है। आज कंज्यूमर को ये मालूम होगा कि बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है उसके सेंक्शन प्लान क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, वो रेगुलेटर की वेबसाइट पे जा करके देख सकता है तमाम सारी चीज़ें। तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए होगा। दूसरी बात है कि जो भी पेमेंट वगैरह बिल्डर कंज्यूमर से लेते हैं वो एक एस्क्रो में जाएगा, उसका यूसेज केवल जो है प्रोजेक्ट्स में ही होने वाला है। तो एक तरीके का एश्योरेंस ये रहता है कि ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, एक टाइमली डिलीवरी आ जाएगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट पे एक एफिशिएंसी आने की जरूर आने की उम्मीद है। फिर भी कुछ है, अलग अलग स्टेट ने थोड़े कई जगह पे पुराने घरों को नहीं लिया है, कुछ एक स्टेट ने लिया है कहीं, बट यू नो आप कंप्लीटली बड़ा ही वन साइडेड और बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं लेके आ सकते हैं। जो भी एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है, और ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट करेंगे। तो चलिए गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे। गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।